मुझे लगता है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई है। तुम्हारी प्रज्ञा दी खुद एक प्रॉब्लम है। जब से मेरे भाई की लाइफ में आई है ना, मेरा भाई हमेशा प्रॉब्लम में रहा है। देखा तुमने कैसे मेरे भाई को स्ट्रेचर पे छोड़ दिया अकेले मरने के लिए, क्योंकि वो मेरे भाई को जिंदा देखना ही नहीं चाहती है। आलिया, बस इसी की कमी है, उठाओ ना हाथ। प्रॉब्लम तो तुम में भी है, प्रज्ञा का सच सुनना नहीं चाहते हो तुम। पर तुम्हारे हाथ उठाने से मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा पूरा। जवाब दो, कहाँ है तुम्हारी प्रज्ञा दी, कहाँ है? घूरो मत, मेरे सवाल का जवाब दो, कहाँ है तुम्हारी दी? नहीं पता, पर मुझे पता है। तुम्हारी प्रज्ञा दी भाई को छोड़कर चली गई है क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया। पहले भाई और मीरा की शादी रुकवाई और खुद शादी कर ली, क्योंकि वो भाई को इस हाल में लाना चाहती थी और इस हाल में ले आई। प्रज्ञा हमेशा से अभिषेक प्रेम मेहरा की लाइफ में अभिशाप रही है। आलिया आइए, प्रज्ञा को देवी मानने वाली देवी हो, आइए। देखा आपने आज आपकी सो कॉल प्यारी सी बहू और बेटी ने क्या किया, अपने पति को मरने के लिए छोड़ दिया। बस इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा है, पर तुम्हारी एक घटिया घटिया सोच पर मुझे दया आ रही है। इंस्पेक्टर ने कहा था ना कि मिस्टर मेहरा और प्रज्ञा के पीछे कुछ लोग पड़े हैं, उनको मारना चाहते हैं। तब तुम भी वहां थी ना, तुमने भी सुना था ना, फिर भी तुम मेरी प्रज्ञा के लिए उल्टा सीधा बोल रही हो। आइंदा अगर मेरी प्रज्ञा का नाम तुम्हारी जुबान पे आया और कुछ भी उसके बारे में बोला ना, तो मेरी बातें सुननी पड़ेगी और तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, समझी? आप बुरी हैं, आपकी बेटी प्रज्ञा बुरी है, उसकी बेटी प्राची बुरी है। इनफैक्ट द राइट वर्ड इज वर्स। आलिया, इस तरह बात नहीं करोगी तुम इनसे। तुम्हारी प्रज्ञा दी कुछ भी कर सकती है और मैं बोल भी नहीं सकती। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो अपनी आंखों से जो तुमने देखा है उस पर तो यकीन करो पूरा। भाई के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप सब प्रज्ञा का साइड ले रहे हैं, और आपके दुलारे पोते के साथ प्रज्ञा ने जो कुछ भी किया फिर भी उसी का साइड लेंगी? आलिया तुम समझ क्यों नहीं रही हो, प्रज्ञा ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। चलो मान लिया कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ अच्छा भी तो नहीं किया भाई के साथ। भाई को ऐसे जिंदा लाश की तरह छोड़ दिया था उसने। सुना ना आपने डॉक्टर ने क्या कहा, थोड़ी सी भी देर हो जाती उन्हें एडमिट कराने के लिए तो भाई की जान। नर्स, भाई ठीक है? अभी कुछ बोल नहीं सकते, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। हे भगवान, बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। कुछ नहीं होगा दादी, उसे ठीक हो जाएगा। वो पल्स रेट लो हो रही है। गो एंड कॉल सीनियर डॉक्टर, गो इमीडिएटली। सर गोली निकाल दीजिए, शायद गोली निकालने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। गो एंड गेट द सीनियर डॉक्टर, क्विक। नर्स, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? गोली निकल गई। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने सीनियर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा है। सीनियर डॉक्टर क्यों? क्योंकि गोली अभी तक निकली नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है। अब बस ब्रेक कीजिए। ये बॉस भी ना पता नहीं कहां रह गए। एक सेकंड का काम इस औरत को खत्म करना, हाल तुम्हें लटका रखा है। मुझे खोलो प्लीज, नहीं जाने दो यहाँ से प्लीज।
रुक करो। प्राची कोई बात नहीं है, शायद हवा आई ना उसकी वजह से दिया बुझ गया होगा। सरतांटी दिया बुझना तो अपशगुन होता है ना? ना बेटा, कोई कोई ऐसा अपशगुन शुगुन जैसा कुछ नहीं होता। मिस्टर मेहरा जैसे अच्छे आदमी के लिए। प्राची तू ये सब छोड़ ना, एक काम कर ना, दिया फिर से प्रज्वलित कर। प्राची क्या हो रहा है? चल क्यों नहीं रहा ये? रिया प्राची देख तो, रिया इसे क्या हुआ? इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। क्यों? बेचारी के पिताजी नहीं रहना। वो सदमा झेल नहीं पाई। तो हमें इन्हें इंजेक्शन देना पड़ा रेस्ट के लिए। इसने डाली है सफेद चादर। कुछ नहीं हुआ आपको? ये हॉस्पिटल वाले पागल हो गए। कुछ नहीं हुआ ना आपको, आप ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा आपको। उठिए उठिए, देखिए मैं आगे को। अब आप उठ जाइए, आप उठ जाइए ना, आगे खोलिए ना। प्लीज आगे को, प्लीज आगे को, प्लीज उठ जाइए, आगे खोलिए, प्लीज आगे। काश कि वो आंखें खोल पाते और तुम्हारे इस ड्रामे का फिनाले देख पाते। तुम्हारे इंतजार कर रही थी तुम्हें बधाई देने के लिए। जो तुम करना चाहती थी ना वो तुम कर चुकी हो। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने। यू फिनिश्ड महराज, आप फिनिश्ड। बकवास मत करो। बकवास तुम कर रही हो, नाटक तुम कर रही हो, और ये नाटक ना वो देख नहीं पाएंगे। जिसके लिए ये नाटक कर रही हो तुम, मेरे पति के बारे में। शट अप, चलो यहाँ से, चलो। मुझे सुनिए, फेंक दिया तुमने अपने पति को, वहां जाओ ने कोई नहीं ढूंढ सकता। बिकॉज ही इज डेड। जीते जी उन्हें जीने नहीं दिया, अब मरने के बाद तो मेरे भाई को बख्श दो। चलो यहाँ से। कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। तुम देखो ना, हाल है उनका, उनका हाथ हिला था। अभी छोड़ दो अभिषेक, प्रेम मेरा इज डेड, छोड़ दो। पूरी लाइफ में यही विश करती रही कि तुम्हारी विश कभी पूरी ना हो। लेकिन आज ये विश कर रही हूँ कि काश तुम्हारी ये विश पूरी हो जाए और बाई उठ जाए। पर मैं ये भी जानती हूँ कि मरे हुए वापस नहीं आते। आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। आपने जो वादे किए थे वो पूरे करनी है ना आपको। आपने कहा था हर रोज मुझे सिद्ध होता। सिंदूर लगाना है तुम्हें? सुनी मांग पे ना एक ही रंग जचता है, वो सफेद। हर सुबह अपनी मांग देखना, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि भाई अब जिंदा नहीं रहे। ये सफेद चादर जो तुमने भाई के ऊपर से हटाई है ना, उसे तुम ओढ़ लो, क्योंकि विधवा हो गई हो तुम। मैंने पूछा कहाँ है वो? उस औरत को ढूंढने गए। ढूंढने गए मतलब? हमने उस औरत को पकड़ लिया था,
पर क्या? पर वो भाग गई। जिस बात का डर था वही हुआ। बॉस का फोन। बॉस मैं उसके पीछे ही हूँ। उसका मरना जरूरी है। उसे पता है कि अभिषेक प्रेम मेहरा को हमने मारा है। मेरी आवाज सुन चुकी है वो, और शायद थोड़ा बहुत चेहरा भी देखा होगा मेरा। जल्दी खत्म करो उसे। हाँ बॉस, मैं हॉस्पिटल में उसके पीछे। बातें नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे, वरना तेरा क्या रिजल्ट होगा तुझे अच्छी तरह पता है। समझा तू? हाँ हाँ बॉस। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी लाइफ में कभी कोई भी परेशानी आने ही नहीं दूंगा। से लड़ जाएंगे और उन्हें आपके आगे हार मानना होगा। आपको कुछ नहीं होगा। आपको मैं बुला दी। डॉक्टर कोई है? नर्स? आप यहाँ क्या करी है? बाहर जाइए यहाँ से। मैम वो मर चुके हैं। शट अप। आवाज सुनी आपने? ये वही लड़की की आवाज है। उधर से आइए। लगता है अपने मरे पति को यही लेकर आई होगी। चलो देखते हैं। मैं डॉक्टर को लेके आती। सब अच्छा हो जाएगा। ये भगवान, ये यहाँ भी आ गया। अगर इसे पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे यहाँ से जाना होगा। Can't believe, कोई मर के भी वापस जिंदा कैसे हो सकता है? It's miracle. डॉक्टर देवेंद्र को बुलाओ जल्दी। मिस्टर मेहरा जिंदा है।
आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे? किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? बस करो, बस करो। प्रज्ञा से कुछ मत छुपा। प्रज्ञा को सब सच। दादी चुप रहिए। अगर आप हमारी और इस घर की सलामती चाहती हैं तो आपको चुप रहना होगा। और आपको मेरी मदद चाहिए या नहीं? दादी क्या हुआ है? ये लोग क्या छुपा रहे मुझसे? कहीं इन्हें कुछ? प्रज्ञा रुक जाओ। मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ आलिया, तुम मुझे नहीं रोक सकती। बोल जाओ कि तुम्हारा कोई पति, और निकलो यहां से। नहीं, मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उनसे मिलकर जाऊंगी, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैंने कहा नहीं जा सकती तुम, जाओ यहाँ से। सुनिए सुनिए, मैं आपसे मिलने आई हूँ, ये लोग मिलने नहीं दे रहे, प्लीज आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? I'm sorry, Alia, I'm so sorry. I'm sorry कि मैं यहाँ आके ये सब तमाशा कर रही हूँ। I'm really sorry, बस मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं please, I'm really sorry, please, please, please मुझे उनसे एक बार मिलने दो, थोड़ी देर के लिए। मैं बस उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ, please आलिया। हाथ जोड़ रही हो इसलिए तो मैं पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, पर भाई से मिलने नहीं दूंगी। निकलो यहाँ से। प्लीज प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए मिलने दो, एक बार बस उन्हें देख लेने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आलिया, प्लीज प्लीज। एक सेकंड के लिए भी नहीं मिलने दूंगी। निकलो। प्लीज आलिया सुनिए, सुनिए प्लीज मेरी बात सुनिए, सुनिए ये लोग नहीं मिलने दे रहे मुझे आपसे, प्लीज आलिया दरवाजा खोलो, आलिया प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे आलिया? आलिया दरवाजा खोल दे। मैं दरवाजा खोल भी दूं उससे कुछ नहीं होगा। भाई ने तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, वरना तुम्हारी इतने चिल्लाने के बाद भी भाई नीचे नहीं आते। उन्होंने शायद शायद की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, एवरीथिंग इज क्लियर। भाई समझ चुके हैं दैट यू आर बैड लक इन हिज लाइफ। वो जब भी तुम्हारे पास आए हैं वो अपनी फैमिली से, अपनी जिंदगी से दूर गए हैं। He's realized that he needs to stay away from you. नहीं आलिया, नहीं नहीं, उन्होंने शायद मेरी आवाज नहीं सुनी, उन्हें नहीं सुनाई दिया होगा। वो तो तुम्हारी दिल की आवाज सुन लेते हैं प्रज्ञा, तो इतना चिल्लाने के बाद भी उन्होंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। शायद से भाई ने तुम्हारी आवाज अनसुनी कर दी है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनकी जिंदगी के लिए यही बेटर होगा कि तुम उनसे दूर रहो और वो तुमसे दूर रहे। भाई की सलामती चाहती हो ना तो उनसे दूर रहो, और पंडित जी ने भी यही कहा है कि तुम दोनों का दूर रहना ही अच्छा होगा। भाई से प्यार करती हो और रिया का ख्याल रखती हो तो दूर रहो हमसे। तुम दोनों तो एक नहीं हो पाए, कम से कम भाई को उनकी फैमिली से तो दूर मत करो। आलिया प्लीज प्लीज मुझे बता दो तुम लोग क्या छुपा रहे हो, क्या हुआ उन्हें? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है, पर मैं जितना बता दिया है ना उतना काफी है। आलिया प्लीज प्लीज एक बार मिलने दो, प्लीज प्लीज आलिया, नहीं 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 प्लीज प्लीज आलिया, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो आलिया प्लीज। कठोर हो तुम लोग, जरा सी भी तैयार नहीं है। उन्हें क्यों नहीं सुनाई दे रही मेरी आवाज? मेरे दरवाजे को किस भाषा में समझाओ तुझे रणबीर?
एक बार समझाए, समझ नहीं आता तुझे? नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है पापा मुझे, कैसे समझूं? आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। और रणबीर, कोई ऐसे बात करता है अपने डैड से? अरे कोई पापा अपने बच्चे से ऐसी बात करता है क्या? अरे कोई समझने वाली बात हो मम्मी, मैं समझू भी पर क्यों नहीं मिल सकता चीफ से? आप एक रीजन तो दे दो यार, ये तो सरासर डिक्टेटरशिप हुई ना। रणबीर, देखिए अगर आप यहां से नहीं गई तो मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे आप किसी के घर में घुसकर उन्हें परेशान नहीं कर सकती, और वैसे भी आप जिससे मिलना चाहती हैं वो खुद आपसे मिलना नहीं चाहता, तो फिर आप यहाँ रुकी क्यों है? वो मुझसे मिलना चाहते हैं या नहीं ये मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। देखिए ये आपकी फजूल की जिद आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। पढ़नी भी चाहिए, तभी अकल आएगी इसको। हाँ ये तो वही बात हो गई कि मुद्दई फुस्त और गवाह चुस्त। इंस्पेक्टर साहब आप इनकी बातों में मत आइए, अगर इन लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो इन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ, सिर्फ एक बार उन्हें मेरे सामने लेकर आइए, एक बार मुझे उन्हें देखने दीजिए। नहीं है वो तुम्हारे पति और नहीं मिलना चाहते वो तुमसे। ठीक है नहीं है मेरे पति, लेकिन इस घर के ओनर तो है ना, मैं इस घर में आई, वो ओनर होने के नाते मुझसे आकर कहे कि मैं इस घर से चली जाऊं, मैं चली जाऊंगी। वो नहीं मिलना चाहते हैं तुमसे और मैं खुद नहीं चाहती कि तुम उनके सामने जाओ, तो प्लीज चली जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर मुझे लग रहा है कि मेरे पति इस घर में है ही नहीं, और अगर वो इस घर में है तो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। आप खुद जाकर देखिए वो ठीक है या नहीं, कम से कम इतना तो कर सकती है ना आप। एक काम करो तुम जाके देखो। एक मिनट, ये मेरे पति की फोटो। लेकिन इंस्पेक्टर इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम अंदर जाके देख लेते हैं, सबका डाउट खत्म हो जाएगा। चलिए भाभी आप इन्हें ले जाइए और भाई से मिलवा दीजिए। मैं कैसे मिलवा सकती हूँ? मेरा मतलब है कि वो डॉक्टर ने कहा था ना कि अभी की तबीयत ठीक नहीं है, उससे कोई मिल नहीं सकता। अब इंस्पेक्टर साहब अब कंफर्म हो गया है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ ये लोग ऐसे ही बहाने बना रहे हैं। तुम्हें भाई की परवाह नहीं है पर हमें है, नहीं मिलना चाहते हैं वो तुमसे, जाओ यहाँ से। मिताली भाभी आप ले जाइए इन्हें और ये भाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जाइए आप आइए। अभी पता चल जाएगा क्या छुपा रहे थे ये लोग। आप इतना डर क्यों रही हैं? आपने भूतों वाली मूवी देखी है? हम्म। तो उसमें कैसे होता है, वो जो भूत होता है ना वो हीरो का कुछ नहीं करता, लेकिन उसके सगे संबंधियों का सब कुछ कर लेता है। मतलब? मतलब ये कि मैं सगे संबंधियों की कैटेगरी में आती हूँ। तो आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं? हम बड़े ससुराल कैटेगरी में आते हैं, और जैसा आप सोच रहे हैं ना ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। इसका मतलब आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप मेरे आगे चलिए। फोटो तो अभिषेक प्रेम मेहरा का आपने नीचे देख लिया, ये उनका कमरा है, आप अंदर जाइए। चेर, चेर। पिछले हफ्ते शेयर मार्केट में क्या सही बूम रहा ना, पर एक कंपनी जो अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, कंपनी पे तो ताला ही लग जाएगा ना। कौन सी कंपनी? अभिषेक प्रेम मेहरा की कंपनी।
कंपनी तो डूब गई समझो। अभिषेक प्रेम मेहरा के जाने के बाद कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं। जाने के बाद अभिषेक मेहरा कहाँ गया? गया मतलब वो मर गया ना। आई थिंक ही इज डेड। अरे नहीं नहीं, मरा कहाँ, जिंदा है। और कुछ तो बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। जिंदा है मतलब तूने देखा है उसे? मैंने क्या, उसे तो किसी ने नहीं देखा। हाँ लेकिन उसके बारे में सुना है मैंने, वो अपने घर में ही है। मैंने तो सुना था कि जंगल में कुछ हुआ उसके साथ और वो मर गया, बट आई एम नॉट श्योर, बट सुना है मैंने कि कुछ हुआ था उसके साथ। अरे नहीं नहीं, सच तो ये है कि उसका एक्सीडेंट तो हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ था, कुछ टाइम के लिए मर भी गया था, पर कुछ चमत्कार सा हुआ और वो जिंदा हो उठा। तब से घर में ही है वो। अब एक काम करें, हम कल मिलें, ये मीटिंग कल कंटिन्यू करते हैं, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। वो जिंदा कैसे बच गया? तुझे तो मरना था अभिषेक मेहरा। चलो ना, चलो आलिया, देखो। अरे कोई है वहाँ पर। एक मिनट में बात कर रही हूँ। अरे बात बात नहीं करना, पहले सिक्योरिटी को बुलाओ, वहाँ पर कोई है। मैंने आवाज सुनी थी। ये नहीं बुलाने वाली सिक्योरिटी को, मुझे बुलाना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिक्योरिटी, वो कुछ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड को बता दिया था मैंने, किसी की हिम्मत रख गया। पुलिस स्टेशन, आप प्लीज यहाँ पर मेहराज में आ जाइए। हाँ वो वापस आ गई है। दरवाजा मत खोलना प्रज्ञा, मैंने कहा दरवाजा मत खोलना। नहीं नहीं मुझे प्लीज 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 नहीं यार, नहीं यार, मैंने कहा नहीं कमरा ऐसे क्यों है? बाहर ले जाओ, सुनिए, बाहर ले जाओ। कहाँ है आप? आलिया ये कमरा ऐसे क्यों है? तुम्हें क्यों लॉक करके रखा उन्हें? आलिया मुझे बताओ उन्हें क्या हुआ है, कि कमरे की हालत है? चलो। नहीं 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 आलिया प्लीज प्लीज ऐसे मत करो आलिया, प्लीज 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 मुझे बताओ उन्हें क्या हुआ है, प्लीज आलिया, आलिया प्लीज प्लीज क्यों है उनकी कमरे की हालत ऐसी? प्लीज प्लीज आलिया ऐसे मत करो प्लीज। इंस्पेक्टर, थैंक गॉड आप आ गए। कहा था मैंने आपसे इसे मत छोड़ना, ये वापस घर में आ जाएगी। ये कितनी ढीट है ये, बार बार इसको घर से बाहर निकाल दो, ये बार बार वापस चली आती है। छोड़ो ना मम्मी जी, पुलिस आ गई है ना, वो सब संभाल लेगी। नहीं 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 ताई जी, ताई जी प्लीज 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 ताई जी मुझे बताइए उन्हें क्या हुआ, प्लीज मैं हाथ जोड़े आ गया आपके, प्लीज एक बार मिलने दीजिए प्लीज। आप क्यों
सॉरी तो प्लीज प्लीज भाभी मैं माफी मांगती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई आज तक जितनी गलतियां हुई मैं माफी मांग रही हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिए उन्हें क्या हुआ है, अभी बताइए आप प्लीज एक बार तो मिलवा दीजिए, क्या हो गया आप सबको, सबके सब चुप क्यों खड़े, मेरे पति के साथ गलत हो रहा है, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा, इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप मेरी बात को यकीन कीजिए, ये लोग आपसे छुपा रहे हैं, मेरे पति की जान खतरे में है, इनफ, बस बहुत हो गया, अब कोई बोलेगा तो सिर्फ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आप कुछ बोलते क्यों नहीं, ले जाइए इसे यहाँ से प्लीज, मास्टर ले चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये लोग सब कोई मुझे इस घर से बाहर क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग सब मिलके कुछ बहुत जरूरी बात छुपा रहे हैं, आप सोचिए घर में इतना हंगामा हो रहा है वो बाहर आके देख क्यों नहीं रहे, आपको कुछ गलत नहीं लग रहा, मैं कह रही हूँ ना यहाँ ये लोग कोई बात छुपा रहे हैं, मेरे पति के मेरे पति ठीक नहीं है, ये लोग कुछ छुपा रहे कुछ गलत कर रहे हैं मेरे पति के साथ, चलो मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इन लोगों से ज्यादा हक है मेरा इस घर पे, एग्जैक्टली अब तुमने बोला ना तुम किस लिए आए थे, अब सही कहा, ये अपने पति के लिए यहाँ पर नहीं आई है, ये आई है तो प्रॉपर्टी के लिए, अपने हक के लिए, इसे मेरा परिवार के एसेट से प्यार है, अपने पति से कोई लगाव नहीं है इसे, पुजारी जी प्लीज देखिए आपने ही मेरी शादी इनसे करवाई थी, आप प्लीज इनसे सच बोलिए, मुझ पर तरस मत खाइए, आप सिर्फ सच बोलिए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, बेटा हाथ तो आपने पहले भी जोड़ा था ना, इसीलिए मैं झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया कि आपका और अभिषेक जी का विवाह मैंने संपन्न कराया था, जबकि विवाह मैंने संपन्न नहीं कराया, झूठ बोल रहे हैं आप, एनफ, गवाह अपनी गवाही दे चुका है प्रज्ञा, और आप क्या कर रही हैं इंस्पेक्टर, आपके सामने ये गवाह को धमका भड़का रही है ताकि वो अपनी गवाही से पलट जाए, नहीं इंस्पेक्टर आलिया ने डरा है, पैसे दिए ना, पैसे दिए आपको, नहीं, पैसे दिए, नहीं इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, पंडित जी प्लीज आप सोचिए, आपका एक बयान मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, पंडित जी प्लीज प्लीज सच बोलिए, आपने ये शादी करवाई थी मेरी इनसे, प्लीज पंडित जी, बेटा बेटा मुझे क्षमा करो, वही तो मैं सच बोलना चाहता हूँ कि मैंने विवाह नहीं कराया, क्या किया तुमने, अगर अब आपने इस अरेस्ट नहीं किया, लीगल एक्शन नहीं लिया, या इसके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं किया, तो मैं कमिश्नर को कॉल करके कहूंगी कि आपने अपने बिहाफ पे इसे छोड़ा था, फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई कि मैंने इसे भरोसा करके इसे छोड़ दिया, पर अब कोई गलती नहीं होगी, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए और जिंदगी भर इसे जेल में रखना, नहीं इंस्पेक्टर आप मेरी बात मानिए, पंडित जी ना इस आलिया के साथ मिले हुए हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो कुछ कहा है सब सच कहा है इंस्पेक्टर प्लीज, जो तुम कह रही हो वो सही है और बाकी यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो सब गलत है, ले चलो इसे, इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सुनिए प्लीज तू रो नहीं ना, तो क्या करूं मैं शाना,
वो लोग मेरी माँ को मनहूस समझते, हमेशा मेरी माँ को तकलीफ पहुँचाई है, कभी ढंग से पेश नहीं आया, सीधे मुँह बात नहीं की हो। मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ के चाहते क्या है वो? शाला प्लीज रो मत, संभालना अपने आप को। रामना ये सब बाद में देख लेंगे, पहले ये सोच रहे हैं कि आसी को हम लॉकअप से बाहर कैसे निकाले, मतलब हम क्या कर सकते हैं उन्हें उनकी बेल कराने के लिए। हम तो किसी लॉयर को भी नहीं जानते, हम बेल कैसे करवाएंगे, क्या करेंगे हम? शाना सोचते ना कि कौन होगा जो हमारी मदद करेगा। सिर्फ वही है जो मदद कर सकता है हमारी। कौन? रणवीर। हाँ तो तू सोच कर रही है, उसको फोन करना तू। हाँ रणवीर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नहीं, वो पुलिस ने मेरी माँ को अरेस्ट कर लिया। मैम क्या हुआ? वो घूंघट वाली औरत अपना घूंघट नहीं उठा रही है, उसका फोटो कैसे क्लिक करें? रुको मैं आती हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरी बात समझिए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा बाहर होना बहुत जरूरी है। जो पुलिस कर रही है वो जरूरी नहीं है क्या? तुम्हारे घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, जब तक वो बेल नहीं करवाते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। आप क्यों नहीं समझ रही? बस एक बार मुझे उनके पास काम करने दो मुझे अपना। बबीता घूंघट हटाओ, तुम्हारी फोटो खींचनी है। फोटो तुम्हारी एक ही बार खींची जाए, वो भी शादी ब्याह में, हमारे प्रमाण पत्र ले लो, उसी से काम चला लो, घूंघट तो ना हटाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमारे औरतें घूंघट ना हटावे। पर मैं भी एक औरत हूँ, मुझसे कैसी शर्म? ना बाबा, घूंघट तो किसी घर की औरत के सामने हटाऊंगी, ऐसे यहाँ किसी के सामने नहीं। अगर पड़ोसियों से मारपीट ना की होती ना तो यहाँ आने की नौबत भी नहीं पड़ती। क्या गलत कर दिया? पड़ोसी के बेटे ने हमारी छोरी पीटी, मैंने उसका छोरा पीट दिया। उसको बोलो घूंघट के अंदर से ही सेल्फी खींच कर दे दे, हमें बस फोटो से मतलब है, पड़ोसियों से झगड़े का मामला है इसलिए सेल्फी भी चल जाएगी, कोई बड़ा केस नहीं है। आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बस मुझे मेरा काम करने दो। कौन? तक तो यहाँ नहीं थी। हेलो, तुमसे पूछ रही हूँ कुछ, नहीं बताना है तो दरवाजा बंद कर देती हूँ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि अभी इस बच्चे की सच्चाई नहीं जानता, पर तुम जानते हो ना कि अभी मुझसे प्यार करता है, हम दोनों शादी कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा अभी का या तुम्हारा? जैसे सब तुम्हारी केयर कर रहे हैं वैसे मैंने भी तुम्हारी केयर की। मेरा ख्याल रखने के लिए पपीते का जूस भेजा था मुझे। Are you mad? झूठ मत बोलो, सरिता ने मुझे सब कुछ बता दिया। बड़का ये बच्चा इस दुनिया में आया ना तो मैं खुद अपने हाथों से इस बच्चे को मार दूंगी, और मैं नहीं चाहती इन दोनों की एक और प्यार की निशानी इस दुनिया में आए। एक सेकंड रुक, अभी आया। हाय हाय, मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो कह दो। सोच रही थी कि कभी कभी सोचा मत करो ना, बस बोल दिया करो, अच्छा लगता है। नहीं एक्चुअली थैंक यू कहना चाहती थी। तुम अपनी बात को रिपीट कर रही हो, तुमने कल रात को भी तो यही बोला था। एक्चुअली मैंने इतना रूडली बिहेव किया तुम्हारे साथ, फिर भी मेरे कॉल करने पर तुम मेरे लिए मेरी माँ के लिए आ गए हेल्प करने। तो अच्छे बच्चे ना हमेशा ऐसे करते प्राची। आई नो, इसी अच्छाई की तारीफ तो कर रही हूँ। वो बुला रहा है, बाय। अरे नहीं नहीं रुको रुको ना, तुम कहाँ जा रही हो? इनकी तो बातें सुनता रहता हूँ, पूरे टाइम बकबक करते रहते हैं। तुम मुझे बताओ ना तुम क्या बोल रही हो, तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, तुम बोलो ना। जो कहना था कह चुकी, थैंक यू बाय। क्या प्राची, ये थैंक यू बोल के फॉर्मेलिटी क्यों? तुमने इतने हक से बुलाया था ना मुझे, तो फिर ये थैंक यू क्या है? देख रहा है बिजी हूं मैं।
जब मैंने उसको बोला कि अगर तू रणबीर को बुला रही है ना तो हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, उसको लगा कि हम लोग बहाना कर रहे हैं और हम नहीं आना चाहते, हम उसकी हेल्प नहीं करना चाहते। उसने कहा कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, तू ही बता मैं क्या करती। माँ और पापा को कोई मारना चाहता है उनकी जान खतरे में, हमें जाना होगा। उस दिन पलक की शादी ऐसे बीच में से छोड़ के आ गई थी, पहले सॉरी बोलती हूँ फिर कंग्रेचुलेट करती हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? कुछ बोलती क्यों नहीं, गूंगी हो? हो सकता है बहरी भी हो। हैं? हाँ बब हाँ मतलब बहरी नहीं है तो फिर कुछ बोलो ना। देखने में तो बहुत छुई मुसी हो पर जिगरा बहुत होगा तुम्हारा। वैसे चाटनी लड़कियों को मुझे बहुत अच्छे से पता है, अपनी जुबान पर लट रखती है और किसी के सामने नहीं झुकती। जरूरत थी मैंने नौकरी की, समाचार में थारी मसूरी देखी सो आ गई। ओ गॉड जी, मतलब कोई पुरानी एड देख ली होगी। अरे बहुत अच्छा किया तुमने, हमारी ना पुरानी नौकरानी अभी अभी अपनी नौकरी छोड़कर गई है, तुम्हारी नौकरी पक्की। ज्यादा एक्साइट मत होइए, मुझे बात करने दीजिए। काम करने का कोई तजुर्बा है तुम्हें? ज्यादा तो ना है पर जितना भी काम किया है घनी प्रशंसा हुई हमारी। पर एक बात कान खोल के सुन लो, सारा दिन हमारे से कोल्लू के बेल की तरह मेहनत करा लो पर रात को ना मैंने घर जाना पड़े बस। ठीक है, वैसे तुमने ये घूंघट क्यों ओढ़ रखा है, हटाओ इसे। यहाँ हम सारी लेडीज ही है, तुम इसे हटा सकती हो, हमारे सामने क्या पड़ता। घूंघट तो ना हटाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमारे औरतें घूंघट ना हटावे। ये तो ना हटे। क्यों? हमारे घर की रीत है। कमरे से आवाज आई। ओह नो, लगता है भाई फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं।
मुझे तो लगता है कि वो गायत्री ना पहुंच गई उस कमरे में। भाई मार देंगे उसे। कब तक आ रहा है? आके बोली इंजेक्शन लगा। भाभी आपसे पूछ रही हूं मैं, वो 10:30 बजे तक आ जाएंगे। गायत्री तुमको चोट तो नहीं लगी? दिखाओ जरा। भाभी दरवाजा बंद कीजिए। गायत्री तुम गई पीछे देख। इसको भी क्या हो जाता है? इसका मुंह क्यों सूजा हुआ? ये पकोड़े जैसी शक्ल क्यों बनाई है तूने? तू समझती क्या है अपने आप को? क्या हुआ? तू इतना गुस्से में क्यों है प्राची? क्यों? तुझे नहीं पता क्या हुआ है? मुझे ये नहीं पता है कि तुझे क्या पता है। अच्छा तो सुन, धोखा दिया है तूने मुझे। तू मेरी शादी रणबीर से कराना चाहती थी। बोल बोलना, आप अब मुंह बंद क्यों है? तू मुझे मंदिर ले जाकर रणवीर से मेरी शादी कराना चाहती थी ना शाना? बहन हूं ना मैं तेरी? कोई बहन के साथ ऐसा करता है? क्या कहा था तूने मुझसे? क्या कहा था? तूने कहा था कि पलक को हमारी जरूरत है, उसे मदद करने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। पलक की शादी हो रही है ना? सच तो ये है कि पलक की नहीं रणवीर की शादी हो रही थी मुझसे। तूने छुपाई मुझसे ये बात क्यों शाना? बोलना, चुप क्यों है? जवाब नहीं है? कुछ नहीं है बोलने के लिए? बोला। अगर कुछ नहीं बोलना चाहती ना तो मेरे सामने से चली जा। मत खड़ी रहे मेरे सामने, तुम जा यहां से। मेरे जो भी किया तेरे लिए किया। अगर मैंने झूठ बोला ना तो तेरे लिए। रणबीर का अगर उसके प्लान में साथ दिया ना तो तेरे लिए। मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। क्या कर लेगी? तुझे सही गलत तो पता नहीं होता है? तुझे पता है? तुझे क्या लगता है मैं गलत हूँ वो सही, वो जो कर रहा है सब सही है? कौन तू? तू किसकी बात कर रही है? रणबीर कोहली की? My fault. No way, bro. मैं गलत नहीं हो सकता। hey, यार तू सिर्फ अपनी चला रहा है हा? तूने एक बार भी सोचा कि तू प्राची के साथ कैसे बिहेव कर रहा था? तो तू बता दे कैसे बिहेव करूं प्राची? यार, you should understand. मुझे मत बता मुझे कैसे बिहेव करना है। नो, डोंट टीच मी।
मैंने अपने आप को बदला। किसके लिए? प्राची के लिए। जो मैं नहीं था मैं वो बना किसके लिए? अगेन प्राची के लिए। और बदले में मुझे क्या मिला? रिजेक्शन। पर रणबीर तू जानता है कि प्राची? हाँ मैं जानता हूँ। शी लाइक्स मी, शी लव्स मी। प्राची झूठ बोल रही है, वो एक जिद पकड़ के बैठी है। क्या करूँ? खुश रहूँ? जिद पकड़ के बैठी है तो? मैंने कुछ डिसाइड किया है, अब मैं प्राची की ये जिद तोड़ना चाहता हूँ। और एक बार ये जिद टूट गई ना, मुझे प्राची को अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। शी विल बी मिसेस रणबीर कोहली। तू कैसी बातें कर रहा है यार रणबीर, तू पहले ऐसा नहीं था ब्रो, तू अपने आप को देख। मुझे पता मैं पहले ऐसा नहीं था। प्राची अगर चाहती ना आर्यन तो मैं बदलता नहीं, लेकिन प्राची ने मुझे बदला है। मैंने प्राची का प्यार पाने के लिए, प्राची का ट्रस्ट पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तेरे को तो अच्छे से पता ही है। फिर भी मुझे बदले में क्या मिला? सबके सामने मुझे ना बोल दिया। यार पर रणबीर तेरी अप्रोच ही ऐसी थी ना। मैंने माना मेरी अप्रोच गलत थी, लेकिन मैंने कोशिश करी आर्यन। मुझे अपने पे इतना गुस्सा आ रहा है, काश उस दिन मंदिर में पीछे नहीं हटता, उसे शादी कर लेता। कम से कम आज मेरा नाम तो जुड़ा होता प्राची के साथ। तू बदल गया। आई नो, अब बदला भी सिर्फ प्राची के प्यार में। कहते ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये लव है। मेरी लाइफ का सिर्फ एक गोल रह गया है, मुझे प्राची को अपना बनाना है। उसे जो मेरे साथ किया उसका रिटर्न देना है। उसने मुझे बदला ना, मैं वक्त बदल दूंगा। प्राची को अपना बनाने के लिए आर्यन अगर मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े ना तो मैं लड़ूंगा, और पूरी दुनिया देखेगी। वे तो कैसी बात है। मुझे नहाने जाना है। ब्रो आर्चिटन, तूने धोखे से मुझसे शादी करनी चाहिए रणबीर। तू चीटर नहीं तो क्या बोला तुम्हें? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आज के बाद हर दिन हर रोज एक नई प्राची को देखोगे। प्राची हमारा प्यार एक वन वे ट्रैफिक जैसा है, एक बार इसमें आ जाओ ना आपको सीधा चलते रहना पड़ता है। प्राची अब तुम तैयार हो जाओ मेरे साथ चलते रहने के लिए। Be ready to walk with Ranbir.